राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे कामरान की धड़कनों में बसी है उनकी टीम की को ओनर शिल्पा शेट्टी की फिल्म धड़कन। चकिंग में ही चोट की वजह से दक्षिण अफ्रीका से कामरान हिंदुस्तान लौट कर आए हैं। उन्होंने ढेर सारी बातें की हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी से। IPL सीजन 2 की खोज रहे हैं कामरान खान। यकीनन आने वाले कुछ सालों में वो भारतीय टीम के एक बेहतर भविष्य के तौर पर देखे जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं कामरान और उनके कोच नौशाद जी। बात करेंगे कामरान से IPL में उनके सफर के बारे में। कामरान, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि IPL सीजन 2 में आपकी एंट्री कैसे हुई और कैसा रहा ये पूरा सफर? ये IPL में मेरा सिलेक्शन हुआ, नौशाद सर ने एक मैच हमें दिया पुलिस, जो कि पुलिस मुंबई पुलिस जिमखाने की टीम से मैं खेला था। डिवा पाटिल में मैच हुआ था, तो वहाँ मैच हुआ था मेरा, किसी टीम से नहीं हो रहा था। नौशाद सर ने बात किया पुलिस जिमखाने से, मुंबई पुलिस जिमखाने से, तो उन्होंने मेरा ट्रायल लिया, फिर हमें अपने टीम में रखा, फिर मैच खेले वहाँ पे डिवा पाटिल में, तो वहाँ माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म हुआ, फिर वहीं से मेरा मतलब शुरुआत हो गया IPL के लिए। फिर तीन चार मैच खेले यहाँ पे, IPL सिलेक्शन मैच हुआ तो उसमें भी माशाल्लाह अच्छा परफॉर्म हुआ। अच्छा, यहीं से उसके बाद उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया, कुछ वजह से नहीं आ पाए, लेकिन ये दो साल से उसके बाद कंटिन्यू मुंबई में खेल रहे हैं। यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग होती है, साथ में राहिल शेख है, कदीर पटेल है, अब्दुल्ला इकबाल है, तो बड़ा अच्छा एटमोसफेयर है प्रैक्टिस का। कामरान, मैंने सुना कि काफी वक्त आपने जो अपना क्रिकेट है वो सॉफ्ट बॉल टेनिस बॉल से खेला है, तो जब सीजन बॉल में पहली बार खेला था तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या कोई दिक्कत आई या कोई सहूलियत मिली चूंकि आप पहले टेनिस बॉल से सॉफ्ट बॉल से खेला था? सॉफ्ट बॉल से खेलता था तो मतलब मैं वो टाइम पास के लिए खेलता, टेनिस बॉल के लिए खेलता था, और हमें मालूम था मतलब मैं उसमें भी ड्यूज बॉल से मैं खेलता था, और कभी हमें ऐसा फीलिंग नहीं हुआ कि मैं सॉफ्ट बॉल से खेल रहा हूँ, अगर कभी फिर सीजन बॉल मिला, अगर अच्छा मैच मिला तो उसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। सर, आप ये बताइए, क्या आपकी कोई बात हुई थी जब राजस्थान रॉयल्स ने और तमाम लोगों ने उनको स्पॉट किया उसके बाद इनसे और वहाँ के लोगों से, कैसा आपको क्या फीडबैक मिला? मुझे ये मालूम था कि वहाँ पर T20 के मैचेस होने, तो उसके लिए हमने बताया यहाँ पर बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी उससे पहले, खासतौर से स्लोअर वन और यॉर्कर्स की और बाउंसर्स की, स्पेशली लेफ्ट हैंडर राइट हैंडर जब आते हैं तो उसके अंदर बड़ी दिक्कत होती है बॉल करने में, तो लिमिटेड ओवर में स्पेशली थोड़ा सी भी आप लेग स्टंप के बाहर करोगे वाइड हो जाएगी। ओवर डालने से पहले कुछ कहा था आपसे बाकी टीम के सारे खिलाड़ियों ने और कप्तान ने? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं हुआ, बस हमारे कैप्टन जो थे बस यही बोल रहे थे कि कामरान तुम स्माइल करो, स्माइल में अच्छे लगते हो, इंजॉय करना क्रिकेट को लेकर के। मैं सुना है कि काफी आपने मतलब चुनौतियों का सामना किया, काफी स्ट्रगल किया है स्टेज तक आने के लिए, अपने घर परिवार और बाकी चीजों के बारे में, किस तरह स्ट्रगल करके वहां से स्टेज पर फिर यहां से IPL के स्टेज पर पहुंचे, परफॉर्म किया, अपने घर परिवार और तमाम चीजों के बारे में कुछ बताइए कामरान। तो क्रिकेट खेलना मेरा बचपन से शौक था, और हमें पहले तो मेरे घर वाले थोड़ा मतलब मम्मी पापा थे तो बहुत हेल्प किए, मेरा दिल पढ़ाई वाई में बहुत कम लगता था, और मैं काम मतलब कभी ऐसा सजेशन आया कि कामों के लिए, तो मैं बोला कि कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा हमें कॉन्फिडेंस था, हमें मालूम था कि मेरी लाइफ यहाँ पे है। आपसे जानना चाहूंगा कि आप कामरान को किस तरह के गेंदबाज के रूप में देखना चाहेंगे आने वाले कुछ सालों में? मैं चाहूंगा जहीर खान के साथ वो स्टार्ट करे बॉलिंग का और इंडिया टीम के लिए खेले, और उनके साथ भी अपने जैसे धोनी की जो इस वक्त करंट टीम है, तो वो लेवल पे इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जरूर, अगर उनकी तकलीफ दूर हो गई पैर की तो वो खेलेंगे, और उनको एक बार जहीर के साथ में बॉलिंग करते हुए देखना चाहते हैं। और आप कामरान खुद किसको अपना रोल मॉडल मानते हैं, किस तरह का बनना चाहते हैं, या अपना कौन सा शैली? जी, मैं इंशाल्लाह इतना मेहनत करूंगा, और कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह जिस दिन मैं इंडिया के लिए खेला उस दिन इंशाल्लाह इंडिया का सबसे बेस्ट बॉलर बनूंगा इंशाल्लाह। अभी फिलहाल आपके रोल मॉडल कौन? अभी मेरा सबसे अच्छा गेंदबाज जो हमें लगता है फास्ट बॉलर है वो सोहेल अख्तर है। अच्छा, फिर हमें इरफान पठान का स्विंग बहुत प्यारा लगता है इंशाल्लाह। अभी मेरे पास स्विंग तो नहीं है, अभी सोहेल अख्तर स्पीड बनाना इंशाल्लाह। सर, रिहेबिलिटेशन चल रहा है इनका, क्या क्या अभी आप क्या क्या ध्यान दे रहे हैं एक्सरसाइज में और तमाम चीजों में? जॉन ग्लोस्टर ने हमको बाकायदा 3 वीक्स का दिया था जो ट्रीटमेंट में, जो भी रिहेबिलिटेशन के लिए जो प्रोग्राम दिया था बाकायदा उसका प्रोसेस चालू हो गया, कम से कम 3-4 दिन से रेगुलर जा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने खुद कहा है कि इनको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, 6 हफ्ता रेस्ट करना है कम से कम। सवाल मैं जानना चाहूंगा जाते जाते, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मेरा फेवरेट गाना है तुम दिल की धड़कन। थोड़ा सा गुनगुनाइए हमारे लिए। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, तुम दिल की धड़कन में रहती हो
बाहों में। बहुत खूब। कामरान का फेवरेट गाना ये है तुम दिल की धड़कन में रहती हो, और कामरान को हम कहना चाहते हैं हम सबकी दिल की धड़कन में रहते हो, और दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये ठीक हो जाए और इसी तरह का परफॉर्मेंस करते रहें और एक दिन भारतीय टीम के लिए जरूर खेले।